तो आज हम आ चुके हैं IIT दिल्ली के कैंपस में, और यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ का जो आपको एटमॉस्फेयर है अलग ही फीलिंग देता है। और मेरे साथ है रहमान आलम, और रहमान जो है अभी यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, और प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेटर भी थे PG के अंदर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्लस मज़ेदार होने वाला है, और आप एक्चुअली में फील कर पाएंगे कि IIT दिल्ली में कैसी लाइफ मिलती है अगर आप गेट क्लियर करके आते हो। तो रहमान, सबसे पहले कैसा लग रहा है आज आपको? यार अच्छा लग रहा है, फिर से हम लोग मिले हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा, मतलब आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि फाइनली अब आपका भी प्लेसमेंट हो चुका है। पहले तो आप भी स्टूडेंट थे, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा आपने भी इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार जाते जाते एक स्टूडेंट्स को एक वीडियो दें कि उनको कैसा रहता है अंदर आके, मतलब बहुत सारे लोग को एक्चुअली पता नहीं चलता कि यहाँ पे चल क्या रहा है इनसाइड में, और इवन यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, और यहाँ पे क्या प्रोसीजर है एक्चुअली, कि मतलब हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को अपने ग्रैब कर सकें, है ना। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे कैसी लाइफ है वो देखेंगे। डेफिनेटली वो तो आपने मेरे को बताया है आपकी लाइक, अभी मैंने आपको देखा है काफ़ी, आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट कर लिया, क्या राज है इसका? यार वो IIT दिल्ली में ही पॉसिबल है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ठुकरा के मेरा वाला? नहीं नहीं, वैसा कोई ठुकरा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, एक ये भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो आप ग्रैब कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मेंटेन रख सकते हैं अपने आप को। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को JEE का एक ऑफिस दिख रहा है। यार ये तो मत बात करो यार, ये पुराने मुर्दे मत उठाड़ो। हाँ। देखो ये JEE ऑफिस है, इसमें तो हम घुस नहीं पाए, है ना। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन आगे है एक और चीज़ भी, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। आइए आइए आगे देखिए। अच्छा, गेट ऑफिस दिख रहा है ये पे। देखिए गेट ऑफिस है ना, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ तो कर लिया और यहाँ पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दरवाजे बंद हैं तो एक दरवाजा और ओपन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे रहमान जी ने एक बहुत ही शानदार बात बोली है, कई सारे बच्चे होंगे जो 12th के साथ अपना JEE का जो ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन गेट का एक और ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल है, जिसमें आप IITs में वापस कदम रख सकते हैं। और ये काफ़ी सीरियस बात हमने मजाक में आपको समझाई है कि वो रास्ता अगर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, अगला रास्ता एक और खुला है, उसके लिए मेहनत करो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। तो रहमान जी, प्लेसमेंट का क्या स्टेट्स रहे हैं इस बार, और आप तो प्लेसमेंट के खुद कोऑर्डिनेटर थे, तो इस बार जैसे आपको प्लेसमेंट का आइडिया होगा, अगर जो बच्चे IIT प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, लेकिन वो पूरा आइडिया नहीं है उनका। तो मैं पूरा उनको इंसाइट देना चाहता हूँ कि स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन से करते हैं या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से करते हैं, तो आप मान लीजिए प्लेसमेंट परसेंटेज में देखूँ तो ऑलमोस्ट 96% प्लेसमेंट है उसमें, मतलब कोर में, है ना, क्योंकि मैकेनिकल वाले ज़्यादातर कोर में जाते हैं। नॉन कोर के लिए भी ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इस बार ज़्यादातर मैकेनिकल में चूज़ नहीं किया उन लोगों ने नॉन कोर, नहीं तो दे मे हैव लैंडेड देयर ऑल्सो, बट अभी इधर तो उन्होंने कोर में लिया और अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, और लाइक एवरेज पैकेज भी 14 के आसपास रहा है उनका हाईएस्ट। अब मैं हाईएस्ट पैकेज को उतना मैटर, मतलब उतना वेटेज देता हूँ, एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट पे ज़्यादा लोग ध्यान देना चाहिए, ना कि हाईएस्ट प्लेसमेंट पे, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज पैकेज पे आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो एवरेज पैकेज यहाँ का 14 के आसपास है, हाईएस्ट भी है अच्छा 20+ है, है ना। तो ये है, और अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए लाइक आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले? रेदर देन प्लेसमेंट के लिए देखो, मेरा पहले तो जो गोल था लाइक नॉन कोर के साइड था, एंड मेरा प्लेसमेंट भी सॉर्ट ऑफ नॉन कोर ही है, है ना। तो उसके लिए अलग से प्लेसमेंट यार अलग से कोर्स वर्क करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो हो जाता है मैनेज। उसके लिए हम अदर वीडियो में कभी बात कर सकते हैं, कि वो एक पूरा होल जर्नी है, मतलब लाइक कि कैसे, मतलब देखो अगर आप नॉर्मल प्लेसमेंट यहाँ का, अगर आपको चाहिए प्लेसमेंट तो वो तो आपको हो ही जाएगा, बट आपको एक चाहिए कि और थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट हो जाए, तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट आप डालेंगे तो हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा। बट एक नॉर्मल प्लेसमेंट तो मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट हो जाता है सबको, है ना। उसके लिए तुम यह गेट क्रैक करके आए हो, यहाँ पे टॉप रैंकर ऑलरेडी हो, तो आप मतलब यहाँ पे इजीली कोप अप कर लोगे, जो नॉर्मल चीज़ होती हैं एक नॉर्मल प्लेसमेंट के लिए बहुत इजीली होता है, और आप कोप अप कर लोगे वो। नहीं, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम ग्रेजुएशन में अच्छे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन गेट में हमारी रैंक आ चुकी है, अगर रैंक आ जाती है तो क्या हमारे जो BTEC का प्रोसेस रहा है उसमें हमारे परसेंटेज कम रहे हैं, उन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लेसमेंट में? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसा है एक तो वो इफेक्ट करता है, और आप अगर यहाँ पे पॉइंटर ठीक ठाक, अगर आप नॉर्मल हैं तो आप पॉइंटर 8, 7-8 के ऊपर रखें, और आप एक अच्छा प्रोजेक्ट उठाएं, प्लेसमेंट आपका डन। तो ये दो चीज़ें आप करेंगे तो आपको 90% आपने काम ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि एक साल बाद आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पॉइंटर बनाते हैं, वो यूज़ होता है आपको प्लेसमेंट के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब इंसाइट्स हैं जो हम मैं वीडियो में आपको बताऊंगा एक्चुअली। और बाकी कई सारे स्टूडेंट को उम्मीद होता है कि मेरा सर कंप्यूटर साइंस में तो प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या कोर ब्रांचेस जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल है उनके जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं मास्टर्स में, क्या उनका भी प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है?
यस यस, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन और इट इज़ करेक्ट एक्चुअली. सबका यहाँ लाइक तुम IIT में आए हो ना, यू आर गोइंग टू टेक समथिंग वेरी नाइस फ्रॉम हेयर एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि तुम आप कंपेयर कर रहे हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को, तो उसमें अभी मैकेनिकल में क्या है कि आपने देखा होगा अभी नॉन कोर में कितने ज़्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, बट यहाँ पे कोर आप मैकेनिकल में है तो कोर में तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी उसमें है भी, कुछ लेऑफ ऑफ कुछ नहीं सुना होगा. और इलेक्ट्रिकल की आपने बात की, उसमें भी हैं प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं. अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ MTech के लिए, BTech का तो आपको भी आपको इतना MTech में क्या है कि लाइक इलेक्ट्रिकल में यार ऑलमोस्ट 95%+ है प्लेसमेंट यहाँ पे. और उनके भी कंपेरेटिवली अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो भी लाइक 17+ के आसपास है. अच्छा, ये तो प्लेसमेंट के बारे में बात हुई, बाकी और भी जैसे कैंपस लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार कैंपस यहाँ पे आपने देखा होगा, आप जब यहाँ पे कैंपस में आपके साथ और भी फ्रेंड्स थे हमारे, है ना, जो आपके साथ आए थे, उन तो आप जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं ना, आपको अलग वाइब यूज होती है. आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पे अपने पीछे ये जो बिल्डिंग दिखती है इसका तो अलग ही फीलिंग है. तो ये यहाँ पे वाइब्स बहुत अलग है. आप हॉस्टल में जाएंगे तो हॉस्टल की वाइब्स अलग हैं. यहाँ पे जो MTech के लिए हॉस्टल्स हैं वो इन्होंने IIT Delhi ने इतने शानदार बनाए हुए हैं, क्योंकि वो नया हॉस्टल. अच्छा, वो तो आपने बोला कि एक ब्लॉग कवर करना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. रियल एक MTech स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल क्या रहती है? एग्जैक्टली, MTech स्टूडेंट लाइफ जो IIT Delhi के अंदर है या फिर अदर IITs में भी है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लेवल मेंटेन रखा हुआ है. जो हॉस्टल लाइफ है ना वो बहुत अच्छी है, वो हम दिखाएंगे आपको व्लॉग में भी दिखाएंगे. और कई सारे बच्चे से यहाँ से फॉरेन स्टडीज के लिए भी चले जाते हैं डाडी स्कॉलरशिप लेके. आपके सर्किल में कोई गए स्कॉलरशिप? हमारे सर्किल लाइक एक्चुअली वो चीज़ होती है कि बच्चे, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ लोगों को ग्रैब करनी है, कुछ लोग को नहीं ग्रैब करनी है. तो हाँ, मेरे सर्कल में नहीं गए, बट हाँ मेरे को पता है यहाँ से 4-5 लोग जो गए हुए हैं डैड में, जिनको ऑफकोर्स वो करना था तो वो गए हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू डैड यू कैन ऑल्सो गो, इट इज़ लाइक दैट. Actually, if anyone want to do something, they have the opportunity open, they can grab that. जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपको IIT Delhi मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा? बच्चों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है. यार ऐसा है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मुझे पता भी नहीं था कि IIT Delhi मिलेगा. ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये रैंक आ जाएगी. मुझे ऐसा था कि यार MTech करना है, कोई भी रैंक आ जाए मुझे वो चलेगा, मुझे खाली एक नॉर्मल सी IIT भी मिल जाएगी तो भी मैं वहाँ से कर लूँगा. यार जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि मिले क्या रैंक आएगी क्या नहीं आएगी, तो बस लगे रहना होता है. बाकी यार आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, इसलिए आप लगे रहें, आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो मतलब कोई भी हमको, मेरे को कोई भी मतलब यहाँ से ऐसा नहीं था कि मुझे IIT Delhi ही मिल जाएगा या IIT, बस ये है कि प्रिपरेशन में लगे रहे और मिल गया. मैं तो जॉब में भी था यार, मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता, लाइक 4 hours a डे यू कैन गिव योर अ शॉट, लाइक इट वॉज लाइक दैट. तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आएगा. बस ये है कि बस आप लगे रहिए, कंसिस्टेंटली लगे रहिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा. यहाँ पे देखिए, रहमान जी जो थे जब इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पर ये जॉब भी करते थे और पैरेलली इन्होंने गेट की प्रिपरेशन करी. इन्होंने अपनी गेट की रैंक को इम्प्रूव किया और रैंक को इम्प्रूव करने के बाद फाइनली IIT में पहुँचे और आज ये वोल्वो में प्लेसमेंट ले चुके हैं और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है इनका. ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आगे मैं एक पूरा और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा आपको IIT की लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूँ. आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय.